Och ni som hör Arshdeep Singh, Strike Maharaj. Slå boll, dot boll. Ye Bharat ke liye acha hai ki Keshav Maharaj ya wicket aaye ya strike pe rahe. David Miller, jitna off strike range of strike pe aayenge utna hi dabav zyada hoga. 30 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी साउथ अफ्रीका को, उनके हाथ में गेम थी, फिर आए हार्दिक पांड्या, क्लासन की विकेट निकाली, गेम में वापसी कराए, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, उन्होंने आउट किया मार्को यानसन को। अब चीजें बदल चुकी हैं, अब ये गेम भारत के हाथ में, 11 गेंदों में 20 रन, सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जिसे संभालना है, वो है डेविड मिलर। अभी तक वो क्रीज से दूर है, महाराज थोड़ा संभालने की कोशिश करें, अपनी विकेट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने दूर तक मिलर को रख सकते हैं? एक लेफ्ट आर्म एंगल है मिलर के सामने जो अंदर की तरफ आएगा, क्या वो फायदे में रहेगा या उनकी विकेट लेके जाएगा, ये देखना होगा। इरफान बाजूबा फील्ड में बदलाव, कुलदीप यादव को थर्ड मैन से अंदर किया गया है, मिड ऑन के फील्डर का लॉन्ग ऑफ पे भेजा गया है। ऊपर वाली लेंथ अर्शदीप की, दो डॉट्स गेंदे, ये दबाव महसूस करा रही है भारत की गेंदबाजी साउथ अफ्रीका को। भारत ने वापसी करी है, बुमराह ने कराई है वापसी, और सबसे बड़ी बात जो क्लासन को आउट किया हार्दिक पांड्या ने, वहां से गेम घूम गई पूरी, एक एक गेंद जो है वो अब इम्पोर्टेंट। क्या साउथ अफ्रीका यहां से ये रन चेज कर सकती है या फिर भारत ने अपना दमखम जो दिखाया इसको बरकरार रहेगा? 10 गेंद 20 रन, दो डॉट गेंदों के साथ ओवर की शुरुआत, थोड़ी सी उंगलियां फेरी है पीछे फील्डर, वन बाउंस, डेविड मिलर अप स्ट्राइक पे। वो बात जो करी, ये मुकाबले ने यू टर्न कहां से मारा, ये पहले जसप्रीत बुमराह, जितनी जरूरी क्लासन की विकेट, उसके बाद ना सिर्फ इस ओवर में विकेट, इस ओवर में रन्स बिल्कुल नहीं दिए, कोई रोक सके तो रोक ले, ये बादशाह है बंदा। 2007 player of the match of the final, सब महसूस करते हुए इस समय, क्या दर्शक, क्या खिलाड़ी, सब वही इमोशंस को महसूस करते हुए, दो वर्ल्ड कप चैंपियन साथ में, उनसे भी रहा नहीं जा रहा। जतिन, हम खिलाड़ी नहीं है, अभी हम फैन हैं, हम चाहते हैं कि भारतीय टीम ये विश्व कप की ट्रॉफी लेके आए, ज्यादा दूर है नहीं, बहुत अच्छी वापसी की है, एक वक्त लगा कि मैच चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये मिलर का खतरा संभाल लीजिए, मिलर को किस एंगल से आप अर्शदीप गेंदबाजी करेंगे, अभी तक आपने सिर्फ एक रन दिए, ये मिलर अभी बड़े शॉट के पीछे जाएंगे, यहाँ पे उनकी विकेट की दरकार भी हो सकती है, क्या वो एंगल अंदर की तरफ लेके आएंगे? जतिन, हवा किस तरफ चल रही है उस एंगल के लिए? डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर, स्ट्रेट डीप मिड विकेट, एक डीप कवर पे, थोड़ा पॉइंट का फील्डर है लेकिन थोड़ा ज्यादा कवर्स की तरफ है अर्शदीप। चौथी गेंद, 19वां ओवर, शार्प गेंद, एंगल बिल्कुल कंट्रोल में नहीं, डेविड मिलर दूसरे रन के लिए आएंगे, केशव महाराज साथ पूरा देंगे, अब वो दिखते हुए मिसक्यूट शॉट्स दिखते हुए जी, अब कोई और इनके पास विकल्प ज्यादा है नहीं है, हर बॉल पे घुमाने के लिए देखेंगे, और मिलर ही एक आखिरी होप है साउथ अफ्रीका के लिए, अगर वो स्ट्राइक पे रहते हैं तो कुछ भी हो सकता है, और अगर ऑफ द स्ट्राइक उनको रखेंगे तो मैच भारत जीत सकता है। मुकाबला आप तगड़ा है भाई, फाइनल की तरह मुकाबला हुआ है, भारत बहुत जबरदस्त वापसी की है भारत ने इस मैच में। यॉर्कर एकदम जड़ में, अंत में थोड़ा सा रिवर्स स्विंग भी, बाउंड्रीज एकदम सुखा के रख दी है, इस पूरी प्रतियोगिता में कहानी रही है भारत की गेंदबाजी, और उस पे नाज है इस फाइनल में। स्पिन के खिलाफ अच्छा खेली दक्षिण अफ्रीका, लेकिन फाइनल फाइव में डेथ ओवर्स में जीवित रखा है भारत के चांसेस को हमारे तेज गेंदबाजों ने। दो ही गेंदबाजों ने मिलकर 30 से ज्यादा विकेट निकाल लिए, अर्शदीप सिंह जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, ये दोनों ने मिला के इस विश्व कप में 30 से ज्यादा विकेट निकाली। जरूर हम स्पिन की बात करते हैं, हमारी ताकत की बात करते हैं, लेकिन ये तेज गेंदबाजी उसने हमें गेम में बनाए रखा है, आज भी गेम में बनाए रखा। अर्शदीप सिंह 2 विकेट, बुमराह 2 विकेट, हार्दिक पांड्या 1 विकेट, आखिरी गेंद है, यहां पे क्या महाराज बड़े शॉट के लिए जाएंगे, क्योंकि आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका सोचेगी कि मिलर स्ट्राइक पे रहे। यादगार विश्व कप अर्शदीप का, बम बॉल, 17 विकेट्स इस प्रतियोगिता में, 161 पे 6, 16 चाहिए 6 गेंदों में।
आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2024 का आखिरी ओवर, चैंपियनशिप फाइनल का आखिरी ओवर, एक आखिरी मौका हार्दिक पांड्या। लॉग ऑफ, लॉग ऑफ, लॉग ऑफ। सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा अपने करियर का सबसे इंपोर्टेंट कैच, एक लॉन्ग फुल टॉस। डेविड मिलर का विकेट हार्दिक पांड्या, जरूर आप बार चेक करना चाहिए, लेकिन आंखों के ठीक नीचे ये मामला साफ दिखा, ये उम्मीदें बरकरार दी थी, ये फाइनल के रस्त में दिखा। मकर निराशा की बात है, जीवन सबल की आशा है, कर्तव्य कर्म करते जाओ, यही जीवन की परिभाषा है। Keep it rolling through, please. Good there. Did you have any other angle from just behind, please? Thank you. Yeah, foot's inside there. Going up. Keep it rolling, please. Yeah, foot's inside there. Keep it rolling. Thank you. Ready with my decision for the big screen. चमक में साउथ अफ्रीका पीछे रह गई, अपने आप को संभाला, बाहर गए, कैच पकड़ा और लगभग विश्व कप भी पकड़ा। भारतीय टीम के फैंस के ये रो इमोशन सामने नजर आते हुए, हार के जबड़े से हाथ डाल के निकल लाए वर्ल्ड कप टेबल मेरा बाय बाय, भारत जीत की ओर अग्रसर। हार्दिक पांड्या भाषण प्रयास लेकिन विफल, और आज भारत जीत की कगार पे खड़ा है। करोड़ों हिंदुस्तानी दिल थाम के बैठे हैं उस जीत का इंतजार करते हुए हुए, और मुझे लगता है कमजोर दिल वाले इस मैच को ना देखें। बोलने का मातरम बात है अपनी आम की, बात है अपनी शान की, जय भारत जय भारती, जय बोलो हिंदुस्तान की, ये नारा गूंजना चाहिए। और चार गेंद में 12 रन क्या बनेंगे हार्दिक पांड्या के ऊपर पूरा दारोमदार सूर्य कुमार यादव, तारे सब उनके तेज मलिन हो गए। जो उन्होंने किया है, जो उस पल में किया है, वो सदियों याद रहेगा, और कई बार पल की गलती सदियों याद रहती है, लेकिन ये पल का सुधार सदियों याद रहेगा, क्योंकि भारत को जीत की तरफ अग्रसर है। टॉप बॉल दबाव डालेगी और दबाव विकेट लेके आएंगे, क्यों इंसान। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, भारत अब सिर्फ 3 गेंदें दूर है विश्व कप की ट्रॉफी जीतने से। सिद्धू क्या गेम हुआ है, फाइनल वर्दी गेम हुआ है, इससे बढ़िया मुकाबला नहीं हो सकता था। सूर्य कुमार यादव की आपने बात की, विश्व कप के इतिहास में भारत के लिए अगर किसी ने सबसे महत्वपूर्ण कैच पकड़ा है तो वो सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा है डेविड मिलर का। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, यही थी सरकार और यही हुआ। अरे भैया अब हार्दिक के ऊपर पूरा दामोदर, और मुझे लगता है कि देखिए ये इमोशन, देखिए ये जज्बा, देखिए ये भारतीय भावनाएं, पूरा रंगमंच सजा हुआ है,
और दोनों टीमें अपराजित हैं अभी तक। बहुत ही बढ़िया बॉल, ग्रेट डिलीवरी, प्रेशर को पूरी तरह से स्पॉन्ज की तरह सोक करते हुए हार्दिक पांड्या कमेंट दिया, कमेंट मैन। पूरा विश्व कप भारतीय टीम अच्छा खेलिए, चाहे वो गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो, अगर विश्व कप जीतना है तो फिर अगली गेंद ना नो बॉल ना वाइड, बस आप किसी तरह से हार्दिक पांड्या डॉट बॉल निकाल दो, विकेट निकाल दो। रोहित शर्मा ने जो कप्तानी की इस पूरे विश्व कप में काबिले तारीफ, उनके बगल में सूर्या अपना काम कर चुके हैं। भारतीय झंडा लहराता हुआ वेस्ट इंडीज के बारबाडोस के मैदान में, और ये झंडा शहीदों के खून से बना हुआ है, झंडा ऊंचा रहे हमारा हार्दिक। हीरे की शफा है तो अंधेरे में चमक, धूप में आकर तो शीशा भी चमका करता है, और मुझे लगता है कि ये वो वक्त है जहां आप स्वाति नक्षत्र की तरह पानी की बूंद को मोती बना सकते हैं, और चातक की तरह सागर के गर्भ से उठ सकते हैं, और स्वाति नक्षत्र की बूंद गर्भ धारण करके उसे मोती बना सकते हैं। ये वक्त है, मौके के लिए तैयार रहना सफलता का रहस्य है। वाइड, और जो इरफान की एडवाइस थी उस पर शायद खड़े नहीं उतरे, उतावलापन नहीं, वेयर राहत की सांस है गेंदबाजों को भी। रोको रोहित शर्मा, विराट कोहली रोको, ये रोक रहे साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने से। खुद जीतना है, खुद हाथ लगाना है वर्ल्ड कप ट्रॉफी में। राहुल द्रविड़ का ये आखिरी मुकाबला है बतौर कोच, ट्रॉफी ली जीतना चाहेंगे, खाली हाथ आना नहीं चाहेंगे। कांटों में रहते भी गुलाबों की तरह महकना सीखो, कीचड़ में रहते भी कमल की तरह खिलना सीखो। जो परिस्थितियों से घबरा जाए वो लाभ कुछ नहीं है। अरे अरे अरे, खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए, दीवानगी की हद तक खुशी है भैया। झंडे दिए गाड़, खंबे दिए उखाड़, कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं। सूर्य कुमार यादव, आज के दिन उस पल तेरा कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। सभी भारतीयों की बेसब्री खत्म, वर्ल्ड कप ट्रॉफी का जो सूखा था वो खत्म, अब कहानी शुरू। विश्व चैंपियन भारतीय टीम की, विश्व चैंपियन की तरह खेले, एक भी मैच नहीं हारे इस विश्व कप में। 30 गेंदों में 30 रन साउथ अफ्रीका को चाहिए थे, पीछे थी भारतीय टीम, लेकिन फिर आए हार्दिक पांड्या, फिर आए जसप्रीत बुमराह, और फिर आखिर में आके भारत ने यह मुकाबला जीता, भारत ने यह विश्व कप जीता। 2007 में साउथ अफ्रीका में जीता था विश्व कप,